नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये डिजिटल कम्युनिकेशन के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, ये दो कॉन्स्टलेशन डायग्राम दिए हैं। अगर आप देखें, फोर सिंबल्स इन बोथ दी कॉन्स्टलेशन आर इक्वी प्रोबेबल। इक्वी प्रोबेबल है मतलब सेम प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेट एन नॉट बाई टू डिनोट द पी एच डी ऑफ डब्ल्यू जी एन वाइट गॉशियन नॉइस। ओके, ये देखिए टू कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स दिए हैं हमें एमआरई सिग्नल कॉन्स्टलेशंस के। एमआरई मतलब फोर आरई के दिए हैं, फोर इसमें सिग्नल्स हैं जो कि अलग इस ओरिजिन पे यहाँ 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 हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ कॉन्स्टलेशन वन टू द एवरेज एनर्जी ऑफ कॉन्स्टलेशन टू। अब आप देखिए, मैंने ये पूछा है, ये मैं मार्कर चेंज भी कर देती हूँ, ये पूछा है, ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पहले ही निकाल दिया है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये तो बेस होगी, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस कितना है, रूट टू ए, और परपेंडिकुलर कितना है, रूट टू ए। जब आप पूरा निकालेंगे तो आपका टू ए आएगा। तो एवरेज एनर्जी जो होगी ये जीरो प्लस टू ए का स्क्वायर प्लस अगेन जो ये जो फोर पॉइंट्स है ना आपके, ये जो यहाँ 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 यहाँ, इनका सम लेंगे विद मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ भी तो टू ए ही होगा, ठीक है, अगर आप देखें इसमें तो। हाँ, तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 2a का स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है आपका, जैसे ये निकाला आपने, तो ये कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये जो टू रूट टू ए है, ये टू रूट टू ए का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 4 टू जा 8a स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 बाय 4 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज एनर्जी ऑफ कॉन्स्टलेशन 2। अब एवरेज एनर्जी ऑफ कॉन्स्टलेशन 2 में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे इक्वल पॉइंट्स सबकी हाइट दी हुई है, मतलब सबकी वैल्यूज दी है एट द वेरियस सिग्नल पॉइंट्स। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनका हमें सम करना है, ठीक है। वन मिनट, एक गलती हो गई है कि अंडर रूट टू ए इसका स्क्वायर करेंगे तो टू ए स्क्वायर ही तो आएगा ना, अगर मैं इसको देखूं। ये और ये हो गया तो ठीक है, चलिए। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो हम करेंगे ये हो जाएगा, क्योंकि चारों पॉइंट्स गिवन है, तो ए स्क्वायर ये एंड ये डिवाइडेड बाय अगेन 4 आएगा, तो ये कैलकुलेट करके ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप E1 बाय E2 निकाल लीजिए, निकाल लीजिए एवरेज एनर्जी। E1 बाय E2 इज हाउ मच, 4 ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दीज कॉन्स्टलेशंस आर यूज फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर एन ए डब्ल्यू जी एन चैनल, ए अवॉइड गॉशियन नॉइज चैनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एवरेज एनर्जी। जब एवरेज एनर्जी की बढ़ोतरी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीज करती है, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशन वन, अगर आप देखें, कॉन्स्टलेशन वन हैज मोर एनर्जी, कॉन्स्टलेशन वन हैज मोर एनर्जी, दैट इज कितनी थी, 4a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन दैट ऑफ कॉन्स्टलेशन टू, देन दैट ऑफ कॉन्स्टलेशन टू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, जिसकी एवरेज एनर्जी ज्यादा होगी उसकी एरर प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर फॉर कॉन्स्टलेशन वन इज लोअर। तो आपका आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वैल्यू ऑफ एन नॉट नो, ये ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए, ये मैंने रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं तो मैंने इसीलिए मार्किंग कर दी है, 2a 2b है। एन इनपुट टू अ 6 लेवल क्वांटाइजर हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज शोन इन द फिगर, डिसीजन बाउंड्रीज ऑफ द क्वांटाइजर आर चूजन सो एज टू मैक्सिमाइज द एंट्रोपी ऑफ द क्वांटाइजर आउटपुट, इट इज गिवन दैट 3 कंसेक्यूटिव डिसीजन बाउंड्रीज आर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मैक्सिमाइज द इंट्रोपी, इंट्रोपी जानते हैं ना, एवरेज इंफॉर्मेशन पर यूनिट मैसेज, आपने पढ़ा होगा ना ये इंफॉर्मेशन थ्योरी में, आई टी अपॉन एल एफ आई इज द इंफॉर्मेशन, एल इज द नंबर ऑफ लेवल्स, ये इंफॉर्मेशन मैसेजेस हो गए। तो टू मैक्सिमाइज द इंट्रोपी ऑल द डिसीजन बाउंड्रीज, ऑल द डिसीजन
बाउंड्रीज शुड बी इक्विप्रोबेबल, शुड बी इक्वी प्रोबेबल। अब आप देखिए यहाँ पे डिसीजन बाउंड्रीज कितनी है, वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, ठीक है, सिक्स लेवल क्वांटाइजर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रल लिमिट आप देखिए अगर हम निकालेंगे तो एक तो हम निकालेंगे 1 to 5 का, तो 1 to 5 एंड एफ ऑफ एक्स एक्स एरिया अंडर द पीडी ऑफ यूनिटी लेंगे, तो ये कितना होगा, क्योंकि तीन बाउंड्रीज हैं तो 1/3 हो जाएगा। अब आप देखिए इंटीग्रल 1 to 5 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये बी दी हुई है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे और ये डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। आप इसको सॉल्व कीजिए, बी ऑफ एक्स 1 to 5 इज इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा बी इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, विच इम्प्लाइज 4b इज इक्वल टू 1/3, बी इज इक्वल टू 1/12। ओके, अब आप इसमें देखिए जो आपका दूसरी डिसीजन बाउंड्रीज है, अगर आप निकालें तो दूसरी डिसीजन बाउंड्री के लिए इंटीग्रल -1 to 1 का, अब आप देखिए ये रीजन देखिए, तो -1 to 1 और a हो जाएगा और यहाँ पे dx होगा, दिस विल बी अगेन इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा a, दिस इज x, दिस इज -1 to 1, दिस इज 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, a ऑफ 1 -1 इज इक्वल टू 1/3, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए इज इक्वल टू 1/3, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1/6। अब आप इसमें देखिए थर्ड जो रीजन बाउंड्री है वो आप अगर देखें तो ये है ए, हाँ जी, हमें वैसे कितना निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोला है द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सॉरी दो ही चीज निकालने को बोले, तो बी की वैल्यू 1/12 है, ए की वैल्यू 1/6 है, तो इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी ऊपर का ही क्वेश्चन है, ऊपर का ही पार्ट है। अज्यूमिंग दैट द रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स ऑफ द क्वांटाइजर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डिसीजन बाउंड्रीज, द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर, द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, ये पूछा है। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सिग्नल पावर जो है अगर हम बोलें कि इट इज एस, या सिग्नल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीन बाउंड्रीज थी, इंटीग्रल -5 to -1 एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल 1 to 5 -1 to 1 1 to 5 अगेन एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स। अब आप इसमें देखिए इसको निकालिए, इसकी वैल्यूज कितनी थी, इंटीग्रल -5 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स प्लस इंटीग्रल -1 to एक्स स्क्वायर इंटू ए डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 5 एक्स स्क्वायर इंटू हाउ मच, इट इज अगेन बी डी एक्स। अगर आप देखिए तो ये वही है ना, 1 to 5 में आप देखिए बी वैल्यू है एंड -1 to 5 में भी बी ही वैल्यू होगी, और -1 to 1 में ए वैल्यू है, अगर आप क्वेश्चन देखें इसका। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जब आप इस तरह से करेंगे तो अब वेरी इजी फॉर दिस कि अब आप इसमें इसकी वैल्यूज रख सकते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/12 इंटीग्रल -5 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए की वैल्यू थी 1/6 इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to 5 अगेन 1/12 डी एक्स, यही वैल्यू होगी ना एक्स स्क्वायर, ये सब हो जाएगा। अब आप सबको सॉल्व कीजिए जरा, कितना आएगा, 1/12 x³/3 -5 to 1 प्लस 1/6 x³/3 -1 to 1 एंड प्लस 1/12 x³/3 1 to 5। अब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कुछ 1/12 इंटू 1/3 इंटू 1³ -5 का क्यूब प्लस 1/6 इंटू 1/3 1³ -1 का क्यूब एंड प्लस 1/12 थ्री जा 36 5³1³। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/36 वन माइनस प्लस ये 125 हो जाएगा, अगेन 1/18 और ये, हाँ तो 1 माइनस -1 और ये कितना हो जाएगा, 1/36
125 माइनस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 36 इंटू 1, हाउ मच विल इट बी, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, माइनस 5 टू, आई एम सॉरी ये माइनस 5 टू माइनस 1 होगा, इजंट इट, ये माइनस 5 टू माइनस 1 होगा, तो जब ये माइनस 5 टू माइनस 1 होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 एंड प्लस 125, तो ये वैल्यू 124 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस 2 बाई 18 हो जाएगी ये, और ये वैल्यू अगेन 124 बाय 36 हो जाएगी। अब आप जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 124 बाय 36 प्लस 2 बाय 18, तो 2 12 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, देन इट विल बी 62 बाय 9 प्लस 1 अपॉन 9, अगेन तो ये 63 बाय 9 हो गया, तो 9 7 जा 63, इतना कुछ आ रहा है आंसर, ये 7 हो गया, क्वेश्चन लंबा है, ये 7 हो गया, यानी कि सिग्नल पावर आपका 7 वोल्ट स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नॉइस पावर। नॉइस पावर के लिए आप देखिए, देखिए जगह नहीं है, मैं इसीलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन लंबा है, स्टेप साइज इज इक्वल टू वी पीक टू पीक अपॉन एल होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए स्टेप साइज कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, माइनस 5 टू 5 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, पीक टू पीक वैल्यू में 5 माइनस माइनस 5 डिवाइड बाय हाउ मच इट विल बी, नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, 6, तो ये 10 बाई 6, 2 5 जो 7, 2 3 जो 6 हो जाएगा, तो जो आपका क्वांटाइजेशन नॉइस पावर होगा वो कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी डेल्टा स्क्वायर बाय 12, 1 अपॉन 12 इंटू 25 बाय 9, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये जो पूरा आप सॉल्व करेंगे, ये कुछ करीबन आ रहा है 0.25, नियर अबाउट 0.23 समथिंग आ रहा है, तो अब एस क्यू एन आर निकालिए इसमें, एस क्यू एन आर, एस बाय क्यू एन पी आएगा, सिग्नल पावर कितनी दी हुई है 7, ये 0.23 है या 0.25, क्योंकि मुझे मैंने जब निकाला था, आप खुद भी देख लीजिए, 25 बाय 12 9 जा 108, ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3, 2 3 2 8 जा, हाँ जी 8 9 10 4 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 2 3 4 3 हो गया, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, अगर मैं इसमें 4 लगाऊं तो ये 0.23 समथिंग है, अब ये 0.23 के करीब जब आएगा तो आप निकालिए जरा 7 एंड 0.23, निकालेंगे जब तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा, नहीं इसको 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 4 40, तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नो ये 31 के करीब आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है इसमें, देखिए क्योंकि ये सारे आंसर्स हमारे मैच नहीं कर रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि 20 और 36 नियर अबाउट सेम है, तो क्वेश्चन देखा आपने कितना कितना ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ मैं। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीइंग पी, टू ट्रांसमिट अ बिट से वन, वी ट्रांसमिट अ सीक्वेंस ऑफ थ्री वंस, मतलब जब हम तीन वंस भेजते हैं तो हमारे पास एक वन जाता है, द रिसीवर विल इंटरप्रेट द रिसीव्ड सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट वन इफ एटलीस्ट टू बिट्स आर वन, रिसीवर ये ट्रांसमीटर है और रिसीवर क्या कर रहा है कि कोई दो वन अगर वन हो, अब ये इस वे में भी हो सकता है, ये इस वे में भी हो सकता है, ये इस वे में भी हो सकता है, तो द रिसीवर विल इंटरप्रेट द रिसीव्ड सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट वन, अगर कोई एटलीस्ट टू बिट्स वन हो तभी रिसीवर मानेगा कि वो वन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसमिटेड बिट विल बी रिसीव्ड इन एरर इज, देखो There will be error if all the three received bits are zero. Error कब होगी? There will be error if all three bits, ठीक है? If all three bits received are zero, or आप कह सकते हैं two of the received bits, or two of the received bits are zero.
एरर कब होगी? जब या तो तीनों जो रिसीव बिट्स हैं वो जीरो हो या कोई दो रिसीव बिट जीरो, क्योंकि इसने बोला देखिए ये तो तब ये बोल रहा है कि ये आउटपुट सही होगा, लेकिन एरर कब होगी? जब उसमें कोई दो जीरो होंगे इस तरीके से या आप कह सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इफ एनी ऑफ द टू रिसीव बिट्स आर जीरो, तो टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन आउटपुट कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन आउटपुट कितनी होगी, आप इसको लिख सकते हैं 3C3, मतलब आप लिख सकते हैं एन सी थ्री इंटू, आप इसको लिख सकते हैं पी क्यूब, तो एन इज इक्वल टू तो 3 ही है, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं प्लस आप फिर इसको लिख सकते हैं एन सी टू फिर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी, एन इज इक्वल टू 3 रखेंगे, है ना, यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3C3PQ+3C2P² इंटू 1 माइनस P 3 माइनस 2, तो ये तो 1 ही हो गया, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पी क्यू, क्योंकि कोई भी तीन रिसीव्ड बिट्स जब 1 होंगे, इसने बोला है नहीं रुकिए क्वेश्चन में क्या दिया है, टू ट्रांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीइंग पी, मतलब कोई भी तीन रिसीव्ड बिट्स में से इफ टू ऑफ द थ्री रिसीव्ड बिट्स आर जीरो या इफ ऑल द थ्री रिसीव्ड बिट्स आर जीरो, तो पी क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3C2, निकालिए जरा 3C2, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 3 3P² 1 माइनस P, तो ये आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा, ट्रांसमिटेड विल बी रिसीव्ड इन एरर पूछ रहा है, तो एरोनियस बिट तो पी है ना, तो इसीलिए हमने पी लेके किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर मैसेजेस बैंड लिमिटेड टू डब्ल्यू W, 2W and 3W are to be multiplexed using TDM. The minimum bandwidth required for transmission of this TDM signal is C. इस क्वेश्चन में अब आप देखिए, जो FS है, सैम्पलिंग रेट आप निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला मिनिमम बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ TDM. FS1 इज ट्वाइस W, तो ये आपको कितना दिया है 2 इंटू डब्ल्यू, तो ये मतलब ट्वाइस FM है, FM की वैल्यू यहाँ पे W है, तो ये 2W हो गई, फिर आप FS2 निकालें, अगेन ये ट्वाइस FM2 हो गई, तो ये 2 इंटू डब्ल्यू, तो 2W हो गई, फिर FS3 निकालेंगे सैम्पलिंग रेट्स, तो ये 2 FM3 यानी कि 2 इंटू 2W, तो ये 4W हो गया, क्वेश्चन देखिए, एंड फिर FS4 हो जाएगा 2 FM4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 6W, ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो ये एफ एस है, दिस इज इक्वल टू FS1 प्लस FS2 प्लस FS3, सारे सैम्पलिंग रेट्स को हम सम अप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2W+2W+4W+6W, हाउ मच 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14W, 14W फॉर मिनिमम बैंडविड्थ, फॉर मिनिमम बैंडविड्थ हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो बिट रेट कितना होता है TDM का NFS, ठीक है, तो कहने का मतलब है ये n इज इक्वल टू 1 और fs कितना आ गया आपका 14W, अब मिनिमम बैंडविड्थ निकालेंगे, जब हमें TDM दिया है तो जो मिनिमम बैंडविड्थ होगी TDM की वो कितनी होगी, हाफ ऑफ RB यानी कि NFS/2, तो ये कितना हो जाएगा 14W/2 दैट इज 7W, तो आपका आंसर कितना हो गया 7W। डिजिटल कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर ऑल दी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने देखिए कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चंस है, मैंने इसको फिफ्थ नंबरिंग दिया है। अ स्पीच सिग्नल बैंड लिमिटेड टू 4 kHz एंड पीक वोल्टेज वेरिंग बिटवीन, पीक वोल्टेज मतलब ये यहाँ -5 to +5 volt ऐसे वेरी कर रहा है, ओके ऐसे वेरी कर रहा है। इट इज सैम्पल्ड एंड एट द नीकी स्ट्रेट, ईच सैम्पल इज क्वांटाइज एंड रिप्रेजेंटेड बाई 8 bits, ये एन दिया है, ये बैंड लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है। इफ द बिट 0 and 1 आर ट्रांसमिटेड यूजिंग बाईपोलर पल्सिस, द मिनिमम बैंड रिक्वायर्ड फॉर डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन इज सी, वाइल यूजिंग द बाईपोलर पल्सिस टू ट्रांसमिट्स द बिट्स 0 and 1, जो मिनिमम बैंडविड्थ होती है रिक्वायर्ड फॉर डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन, जब भी हम बाईपोलर पल्सिस की बात करते हैं तो जो मिनिमम बैंडविड्थ होती है इट इज 4 times द नाइकिस्ट बैंडविड्थ, ये होता है, तो नाइकिस्ट बैंडविड्थ के लिए आप क्या करेंगे, जो FS मिनिमम होगा वो ट्वाइस FM होगा, यानी कि अब आप इसमें देखिए कितनी वैल्यू दी है इसकी 2 इंटू 4 kHz, तो ये 8 kHz हो गया,
तो मिनिमम बैंडविड्थ जो होगी, मिनिमम बैंडविड्थ इन बाईपोलर, जिसमें हम 0 1 दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, इन बाईपोलर सिग्नलिंग, वो कितनी हो जाएगी? उसका फॉर्मूला होगा 4 fs मिनिमम, यानी कि 4 fs मिनिमम। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 into 8 k, दैट मीन्स 32 k। तो आंसर कितना हो गया, 32 k। इसी का दूसरा पार्ट है, अज्यूमिंग द सिग्नल टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इट्स पीक टू पीक वैल्यू, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द क्वांटाइजर आउटपुट इज सी। वैसे तो जो आपका एस नॉट बाई एन नॉट होता है, वैसे तो ये होता है 1.8 + 6 dB, ठीक है। अज्यूमिंग द सिग्नल, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्नल, मतलब इस तरीके से है बिटवीन -5 to -5, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द क्वांटाइजर आउटपुट बोल रहा है, तो हम इसको नियर अबाउट कितना कर लेंगे, नियर अबाउट हम, क्योंकि 6 dB है, क्योंकि अगर मैं इस तरह भी लिखूं 6 × नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल क्वांटाइज्ड बोल रहा है, तो नंबर ऑफ बिट्स आप देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 48 dB, एन इज इक्वल टू 8 दिया है, तो ये 48 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1.8 + 48 करूंगी तो मेरा 49.8 आएगा, तब भी यहाँ 49.8, 1.8 मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन, आपको ऑप्शन से ही मैच करना है। इसी का थर्ड पार्ट है, द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन नॉइज बाय फैक्टर ऑफ 4 वुड बी सी। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर आपका कितना होता है, डेल्टा स्क्वायर बाय 12। डेल्टा क्या होता है, स्टेप साइज, द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैंपल्स ऑफ द स्टेप साइज ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। तो यहाँ पे वो कह रहा है रिक्वायर्ड, मतलब जो एन क्यू डैश है इज इक्वल टू एन क्यू बाई 4, ये क्वेश्चन में गिवन है, वेरी क्लियर। सबसे पहले जो गिवन चीज है वो आप लिखिए। अब आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय 12 ऑफ 1/4 कर सकते हैं, ये गिवन है, विच इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ कि दिस इज, ये डेल्टा डैश है जो आपको गिवन है, इसको ऐसे मान लीजिए, तो ये वैल्यू डेल्टा बाय 2 लिख सकती हूँ क्या मैं इसको, डेल्टा बाय 2, क्योंकि अगर मैं डेल्टा बाई 2 लिखूंगी तो ये डेल्टा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। रुकिए देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसने क्या बोला है, क्वांटाइजेशन नॉइज बाय फैक्टर ऑफ 4। अब आप इसमें देखिए, आपको पता है स्टेप साइज कितना होता है, वी पीक टू पीक बाय एल, मतलब 2 to the power n होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वी पीक टू पीक बाय 2n dash, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसे वी पीक टू पीक बाय 2 × 2 to the power n, तो ये कितना हो जाएगा, वी पीक टू पीक बाय 2 × 2 to the power 8 हो जाएगा ना, 8 दिया है ना हमें नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपका 2n dash है, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 9, दिस इज इक्वल टू 512। तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन नॉइज बाय फैक्टर वुड बी 512। ये देखो क्वेश्चन में दिया है ना, तो ये आपको निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ये गिवन है, पी एन क्यू एन क्यू बाय 4 है, यानी कि ये दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर देखिए ना, ये तो आपका 2 square ही होगा ना, तो ये 2 square होगा, और ये वैल्यू जो होगी, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, सी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन इफ यू कैन सी, तो ये कितना आएगा, डेल्टा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाई 4, यही तो आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा डैश इज हाउ मच, वी पीक टू पीक बाई 2 to the power n dash, एंड डेल्टा इज हाउ मच, वी पीक टू पीक बाई 2 to the power कितना है ये, हाँ 2 to the power n, यही था डेल्टा। मैं भी इसका स्क्वायर नहीं कर रही, मैं केवल डेल्टा डैश को डेल्टा से कोरिलेट कर रही हूँ, तो ये कितना होगा, वी पीक टू पीक बाय 2n, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है ना, मैं डेल्टा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो ये फॉर्म थी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसीलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन डेटा है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितने टिपिकल है। इफ द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो रिक्वायर्ड इन यूनिफॉर्मली क्वांटाइजिंग द सिग्नल इज 43.5 dB, the approximate the step size of quantization is approximately, see आपको SNR कितना दिया है, 43.5 dB, ये given है, it is already given in question।
तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 43.5 इज इक्वल टू 1.76 प्लस 6n, लिख सकती हूँ ना। तो अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, 43.5 माइनस 1.76 कितना होगा ये, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, 41.74 इज इक्वल टू ये 6n हो गया, यही होगा ना, इसी तरीके से आएगा। तो 41.74 को मैं क्या 41.8 नहीं लिख सकती, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 43.5 माइनस 1.8 भी करेंगे तो ये कितना आएगा 0.7, ये 41.7, चलिए इसको जैसे भी 1.76 भी होता है ना, तो आपने इसको ऐसे ले लिया, इसको 6n ले लिया। अब आप इसमें देखिए जरा सॉल्व कीजिए इसको कितना आएगा, 41.8 डिवाइड बाय 68 जा 48, 67 जा 42, मतलब ये नियर अबाउट 7 के करीबन आएगा, तो n इज नियर अबाउट 7 आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्टेप साइज निकालना है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में स्टेप साइज पूछा है। स्टेप साइज के लिए आपके पास डेल्टा कितना होगा, वी एच माइनस वी एल डिवाइड बाय 2 to the power n, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, वी पीक टू पीक बाय एल, तो ये वैल्यू हो गई ना। तो ये वी एच कितना दिया है 5 माइनस, क्योंकि पीक टू पीक वैल्यू 5 है, अपॉन एन की वैल्यू 2 to the power 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई ये 128 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये कुछ 0.07 वोल्ट आएगा, इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा ये इतना आएगा। जरा आप सॉल्व करिए, 10 में 128 का डिवाइड कीजिए, जीरो कीजिए, 12 7 जा 98, 12 8 जा 96, 96 प्लस 96 ना, हाँ तो नहीं उतना नहीं आएगा, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द सिग्नल आर यूनिफॉर्मली, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, रुके, हाँ हाँ क्वेश्चन में ये दिया है, पीक टू पीक वैल्यू ये दिया है ना, तभी तो मैंने इसको इसको वी एल और ये वी एच माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, इफ द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द सिग्नल आर यूनिफॉर्मली क्वांटाइज विद स्टेप साइज ऑफ दिस मच एंड द नेगेटिव वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली क्वांटाइज विद स्टेप साइज ऑफ दिस मच, द रिजल्टिंग एसएनआर इज अप्रोक्सीमेटली, सी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, लेट मी चेंज द मार्कर, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज जो आपके पास स्टेप साइज है ये 0.05 वोल्ट है, तो Q जो है ये 2 to the power n होता है ना, Q दैट मींस L, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्वांटाइजेशन एरर कितना होता है, डेल्टा बाय 2 होता है, यही होता है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पॉइंट कितना दिया ये 0.05, दैट मींस मैं इसको लिख सकती हूँ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये 5 लिख सकती हूँ, V peak to peak by L, तो V peak to peak तो आपका कितना है, मतलब 5 by, पूरा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्वांटाइजेशन एरर, ये 1 by 2 हो गया, और ये 2 to the power n था, और ये 5 minus minus 5 था, that means ये करीबन near about, अभी आपने सॉल्व भी किया था, तो ये कितना आएगा, ये 1 by 2, और ये 1 by 2 की power 7, और ये 10, तो 2 to the power 8 समथिंग था ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये n इज इक्वल टू 7 था, जो आपने अभी निकाला, ऊपर निकाला था ना n इक्वल टू 7, यस। अभी इसको आप, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको छोड़िए अभी, इसको सॉरी, ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। देखिए इसमें जो इसने क्या पूछा है, केवल SQNR पूछा है, सीधी सी बात है, 1.8 प्लस 6n कीजिए, 1.8 प्लस 6 इंटू 7 कीजिए, 1.8 प्लस 42 कीजिए, तो 43.80, सिंपल सी बात है, ये था क्वेश्चन, उसमें और जगह कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कंसिडर द पल्स ST, द इम्पल्स रिस्पॉन्स HT ऑफ द फिल्टर मैच टू दिस पल्स, देखिए ये HT दिया है, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें निकालना है मैच टू दिस पल्स, मैच फिल्टर का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा, ये पल्स शेपिंग दिया है, अब इसमें आप कैसे करेंगे, सी ये एसटी है ना, अब आप इसमें पहले देखिए इंपल्स रिस्पांस जो होता है मैच फिल्टर का क्या होता है, एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी और एस कंजुगेट स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, यही होता है ना, तो माइनस टी प्लस टी कंजुगेट करेंगे तो ये होगा। अब आप इसमें देखिए कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसका पहले एस माइनस टी निकालूंगी, एस माइनस टी क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा ना एस माइनस टी, तो ये जीरो हो गया, ये इस साइड आएगा,
यहाँ पे ये टी वैल्यू होगी, ठीक है। जब ये सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे भी गड़बड़ हो गया, देखा ये माई देखिए ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए एस ऑफ माइनस टी, क्योंकि यहाँ है तो एस ऑफ माइनस टी यहाँ बनेगा, गलती हो गई थी मेरे से, ये हो जाएगा आपका जीरो, ये हो जाएगा माइनस टी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये था आपका एस माइनस टी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हमें क्या करना है, माइनस टी प्लस टी मतलब डिलेड बाय कैपिटल टी यूनिट्स, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, एस ऑफ माइनस टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। तो यानी कि जो एस टी माइनस टी ए क्या होता है, मिरर इमेज होता है, जो ये होता है मिरर इमेज, ओके, ऑफ एस कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब आप इसमें देखिए ये आपका ये माइनस टी प्लस कैपिटल टी था, तो अब आप उसमें अगर निकालेंगे एस कैपिटल टी प्लस टी, इतने देखिए जब ये माइनस टी प्लस टी जाएगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू इधर कैपिटल टी प्लस टी का जो होगा ये वैल्यू ऐसे यहाँ निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये वन हो जाएगा, ये माइनस टी हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो आप इसमें देखिए जो एच टी आएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये कितना होगा एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, बात तो वही है, तो मैंने निकाला इसमें तो ये कुछ ये ऐसे आएगा, दिस विल, ये आपको दो ही चीजें निकालनी है इसमें, क्या निकालना है देखिए, ये हो गया इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा ये ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए हमेशा मैच फिल्टर में दो चीजें निकालते हैं, अगर आपको इनपुट सिग्नल गिवन है, इफ द इनपुट सिग्नल इज गिवन, सबसे पहले एस माइनस टी निकालिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप निकालिए एस ऑफ माइनस टी प्लस कैपिटल टी यूनिट्स, थर्ड स्टेप में क्या करिए एस ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, माइनस टी प्लस टी किया था आपने, फिर कैपिटल टी माइनस टी कर दीजिए और एस कंजुगेट ऑफ टी सॉरी माइनस टी प्लस कैपिटल टी कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मतलब कहने का मतलब यही था ना कि आपने क्या किया, आपके पास इनपुट सिग्नल क्या दिया था, आपके पास इनपुट सिग्नल ये था, तो आपने क्या किया एस माइनस टी के लिए आप यहाँ जाएंगे, ये एस माइनस टी निकलेगा, माइनस टी प्लस यूनिट को टी यूनिट से डिले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप टी यूनिट से डिले करेंगे तो ये इधर ही आएगा ना, इधर तो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। अब उसी के बाद जब ये कैपिटल टी माइनस टी वो वजह हो जाए, यही चीज़ आपकी कैपिटल टी माइनस टी, मतलब आपको ये निकालना है, इसी को आपको ऐसे करना, दो चीजें निकालनी है माइनस टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो आएगा सी ऑप्शन होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी टाइम दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। टिल देन गुड बाय।